26 जुलाई को श्रावण महीने की क्या है शिवरात्रि। शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा के अनुसार भगवान शंकर का शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। आपके नगर में ब्राह्मण जन हो, आपके पहचान वाले हो, तो उनको भी उस अभिषेक में शामिल करें। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण श्वेत मिट्टी का बनाए, वैश्य पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाए, क्षत्रिय लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाए, शूद्र काली मिट्टी का शिवलिंग बनाए। अगर मिट्टी नहीं मिलती है तो तुम्हारे गमले में जो भी मिट्टी हो, वो जिस जिस कलर की हो, उस कलर का शिवलिंग का निर्माण करो और शिव की अर्चना, शिव की आराधना अवश्य करो। फिर भगवान को गेहूं के दाने 21, कमलगट्टे 5, चावल के दाने आखा चावल, आखा चावल जानते हो आप लोग, पूरा पूरा चावल 108, काली मिर्च 21, काली तिल 1 चुटकी, धतूरा 1, बेलपत्र 7 पत्ते, 7 नंग, शमी के पत्र 7, पुष्प फूल और गुलाब के फूल मिल जाए तो 7 नंग, पुष्प फूल मिल जाए, अगर गुलाब का लाल फूल मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो गुलाब का फूल मिले तो उसकी पंखड़ी भी निकाल सकते, पर थोड़ा सा कलर लाल होना चाहिए। हम सफेद फूल का इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि जिस समय पर ब्रह्मा जी शिवलिंग का छोर का पता करने गए थे, उस समय पर केतकी के फूल को साथ में लेकर आ गए थे। किसी के स्मरण में ना रहे और वो भूल से केतकी का फूल उठा लाए और अभिषेक में चढ़ा दिया तो दोष तो उसको भी लगेगा, इसलिए हम सफेद फूल का वर्णन नहीं करते। हम कहते कि लाल फूल एक छोटा सा चढ़ा दो, उसकी पंखड़ी निकाल कर साथ चढ़ा दो, पर चढ़ाए लाल। हाँ, अगर केतकी को पहचानते हो तो फिर सफेद भी चढ़ा सकते हो, पर केतकी का मत चढ़ाओ। मारा गुलाब का पुष्प 7 और अभिषेक की सामग्री दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इत्र, चंदन, 3 गोल सुपारी। गोल सुपारी एक गणेश जी, एक गोरा जी बनाने के लिए, एक संकल्प छोड़ने के लिए। हरोली, चावल, मोली, कपूर, 2 घी के दीप, 1 दिया पूजन के समय पर प्रज्वलित करने के लिए, 1 दीप से भगवान की आरती करने के लिए। जनेऊ, काली मिट्टी या पीली मिट्टी या लाल मिट्टी या सफेद मिट्टी शिवलिंग का निर्माण करना। जिस समय 7 बजे हम लोग अभिषेक करने बैठे 26 तारीख को, उससे पहले शिवलिंग का निर्माण थाली के अंदर करके रख लो। और किस भाव से करना, जिस भाव से माता सती ने और माता पार्वती ने शंकर भगवान को अपना बनाने के लिए, अपनी कार्य सिद्धि के लिए नंदीश्वर की धर्म पत्नी सुयशा ने भी जो शिवरात्रि का स्मरण करा है सावन महीने की, भगवान शंकर की बहुएं बल्ली देवी और देवसेना ने भी सावन महीने की शिवरात्रि का स्मरण करा है। भगवान श्री गणेश जी महाराज की धर्मपत्नी रिद्धि और सिद्धि ने भी सावन महीने की शिवरात्रि की पूजन करी है। माता पार्वती और माता सती ने भी सावन महीने की पूजन आराधना करी है। माता गंगा ने भी श्रावण महीने की पूजन आराधना करी है। तो क्यों नहीं हम श्रावण महीने की शिवरात्रि का स्मरण करें और अपने मन की कामना के लिए बाबा से विनय कर, बाबा से विनती कर उस सुख को पाएं। भगवान से निवेदन करें।